मध्य प्रदेश में दो चरणों में मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में मतदान होना है 7 मई को। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया और कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही। हमारे साथ भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता है शैलेन पटेल, जो खुद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शैलेन पटेल जी, लगातार जो आपके कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन फॉर्म इन मौके पर निकाल लिया, अब क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरासर प्रजातंत्र का अपमान है। एक तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित करने का काम है। 1984 से इंदौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, उनकी टॉप सीटों में से थी, AA+ सीट उनकी थी। क्या जरूरत थी अक्षय कांति बम को डराने की, धमकाने की? क्या आवश्यकता पड़ी उनके नाम वापस लेने की? ये सीधे से दबाव की राजनीति, आम आदमी को समझ में आ रहा है क्या आवश्यकता है? ये इस बात का द्योतक है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ चुनाव करवाएंगे और जहाँ नहीं चाहेंगे वहाँ चुनाव नहीं होने देंगे। लोगों का वोट देने का अधिकार ये छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय कांति बम का फॉर्म नहीं निकलाया है, उन्होंने अपना वो चेहरा उजागर किया है जो ये कहता है कि अब डिक्टेटरशिप आने वाली है। अक्षय बम तो कह रहा है कि हम जो राम मंदिर है हिंदुत्व है उसको लेकर गए। देखिए, राम मंदिर की राम से आस्था किसकी नहीं है? आपकी नहीं है, मेरी नहीं, हम सब राम भगवान, हम सब में कण कण में राम, हिंदुस्तान की जो जनता है वो राम आदर्श पुरुष है, हमारे भगवान है, राम भगवान है। कहीं ना कहीं ये चुनाव ही बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 4 महीने पहले क्या सो रहे थे अक्षय कांति बम जी? 4 महीने के बाद आज आपका नींद से उठना हुआ, ये अपनी बात कैसे छुपाएं? जो डर और जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया है कुछ तो बोलना होगा ना। तो सबसे अच्छी बात है धर्म के नाम पर बोल दो, अपने सारे अपराध माफ हो जाएंगे। तो अक्षय बम को जिस तरह से कानूनी कार्रवाई या मामले दर्ज हुए हैं उसको लेकर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डरा धमका के लोगों को शामिल कर रही है, क्या ये पूरा मामला उसी से जुड़ा है? देखिए, 17 साल पहले कोई केस होता है और 17 साल तक कुछ नहीं होता है, 17 साल के बाद 3 दिन पहले 307 की धारा आपके खिलाफ जुड़ जाती है, वो भी चुनाव के समय। तो कोई अंधा व्यक्ति या जिसको कोई ज्यादा समझ नहीं होगी, एक सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर सारा का सारा घटनाक्रम है, कोई इसमें अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? क्यों 307 का मामला अभी तक दबा रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से प्रदेश में सरकार में थी, जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अक्षय कांति बम जब चुनाव लड़ने लगे तो 307 का मामला बाहर निकल कर आ गया, 307 के ऊपर खिलाफ दायर कर दी गई, उनके पिताजी के ऊपर कर दी गई। ये एक कहने की प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है, डर और लालच, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने अस्त्र बना रखा है। मुख्यमंत्री अक्षय बम को गले लगा रहे हैं। देखिए, एक तरफ 307 लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ गले लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपराध करो, हमारे पास आ जाओ, हम गले लगा लेंगे। वॉशिंग मशीन का एक और नया विज्ञापन उन्होंने जारी कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस वॉशिंग मशीन में कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी करें, हमारे पास आ जाएंगे, सारी चीजें माफ। सर पटेल जी, 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आपके पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दावा है। नितिन जी, लिस्ट ला दो, मैं देखना चाहता हूँ 5 लाख लोगों की लिस्ट, जिस कक्ष में वो कहते हैं कि हजारों कार्यकर्ता शामिल हों, 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। कहाँ है वो 5 लाख कार्यकर्ता? उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी स्थापना दिवस में इतने लाख करेंगे, कहाँ कोई लिस्ट जारी करी है? मुश्किल से 1000 से भी नीचे की उनकी संख्या है। लेकिन जैसे 400 पार का गुब्बारा भरा जो फुस हो गया, उसी तरीके से ये लाखों का कह रहे हैं। आपने खुद देखा होगा, जब चुनाव विधानसभा के होने वाले थे, PCC के बाहर 3-3 जगह टेंट लगाकर रोजाना उस समय ज्वाइन करवाया जा रहा था, आज वो नजारा तो नहीं दिखने मिला। इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई इस इंदौर की, लेकिन आपने हाईकमान में उनसे बात करी कि नहीं करी? क्योंकि लगातार एक मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा है इंदौर से, सर अक्षय बम उसको मतलब बीजेपी में शामिल। देखिए, कहने की बातचीत रोज हो रही थी, सुबह भी उनकी PCC अध्यक्ष से बात हुई थी, चुनाव तैयारी के बारे में बात हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दगा दिया, जिस तरीके से पीठ में दर्द हुआ, वो उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। हमें नहीं मालूम था कि अक्षय कांति बम जो कह रहे हैं पुष्टि बम विधायक भी शामिल हो रहा है। देखिए, विधायकों का ये तो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर 500 से ज्यादा विधायक अभी तक उन्होंने ज्वाइन करवा रखे। ये तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कांग्रेस लोगों की आत्मा में बसी हुई है।
हमारा वोटिंग परसेंटेज कभी डाउन नहीं हुआ है, कितने लोग ले जाए नए आ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है, वो भारतीय कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। आधे से ज्यादा लोग अगर हमारे पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी की जिनकी विचारधारा है वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो हमारा काम वहां पर करेंगे। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, और हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी और फैलाए, प्रचार करे, प्रसार करे, अच्छी बात। तो ये था हमारे साथ चरण पटेल जिन्होंने बातचीत की, और उनका कहना जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज वो यथावत है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। कमेंट हेमंत देशमुख के साथ भोपाल से, एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।